और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा ये पूछा जाता है कि जी स्ट्रेट लाइन कहाँ पे लाया करती है? स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री पर लाया करती है, करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा जाता है कि सर्किल कहाँ पे लाई करती है, सर्कल जो है उसकी कितनी डिग्री होती है? सर्कल जो है वो 360 डिग्री कंप्लीट होता है, जिसको हम टोटल एंगल भी कहते हैं। अच्छा एंगल्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। एंगल्स के रिलेटेड पूछा जाता है कि जो एक एंगल है राइज कर रहा है बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, यानी 0 से अबव है, लेस देन 90, 0 से ऊपर और 90 से कम, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। फिर जब एंगल 90 से अबव है, 90 टू 180, लेस देन 180 है, 90 डिग्री से ऊपर है, 180 से लेस है, एंड इन बिटवीन 90 टू 180, उस एंगल को हम उस एंगल कहते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एंगल 180 से अबव हो और 360 से लेस हो, यानी लेस देन एंगल को क्या कहते हैं? उस एंगल को हम रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जो है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये पास होता पूछा गया है कि 1 रेडियन इसके बराबर होता है, तो 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है, और 2 रेडियन होता है 360 डिग्री के। ट्राइंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम बात करें ट्राइंगल की टाइप्स के बारे में पूछा जाता है कि जो है ट्राइंगल तो ऑल साइड्स इक्वल उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? ऑल साइड्स इक्वल का मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है, तो हम उस ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। आ जाते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वो आपसे कहता है कि सिर्फ टू साइड्स इक्वल है,
एक ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल बाकी इक्वल नहीं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है उसकी ये साइड जो है वो 60 है और ये जो है 50 है और ये 60 है, सपोज कर लें क्योंकि ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है ना, तो हमने इसको 60 60। अब ये साइड ए और साइड बी दोनों इक्वल है, सी इक्वल है, तो जब दो साइड्स इक्वल हो एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा एक और क्वेश्चन आता है जी, कोई भी नो साइड इक्वल ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये कोई 50 हो सकती है, 70 हो सकती है, ये 60 हो, कोई भी साइड इक्वल नहीं, इस ट्राइंगल को हम कैसे कहेंगे, स्केलिन। चलिए अब और हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं थोड़े से एवरेज क्वेश्चन से, जो कि स्टूडेंट्स ने काफी दिनों से कमेंट किए हुए थे कि उन होने चाहिए। चलिए आज हम जरा कुछ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जो कि मालूम थे पूछे गए थे और उनमें कन्फ्यूजन थी। सवाल है एवरेज ऑफ फर्स्ट थर्टी नेचुरल नंबर, आपसे पूछा जा रहा है कि पहले 30 नेचुरल नंबर की एवरेज फाइंड आउट करें। आप उसको सिंपली कर सकते हैं कैसे, ये जो फॉर्मूला है एन प्लस वन अपॉन टू, आप इसको यूज करो और इसको यूज करते हुए एन, आपने पता है आप कौन सा, ये 30 नेचुरल नंबर ना, एन आपका हो गया 30, आप सिंपली एन की जगह रख लें 30 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 31 अपॉन 2। 30 का हाफ क्या होता है 15 और 1 का हाफ 0.5, उसे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 15.5 आएगा। एन प्लस वन जब एवरेज की बात हो रही है फर्स्ट नेचुरल नंबर की, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह टैकल करना होता है। जब फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है जी एवरेज ऑफ ओड नंबर्स, आपने एवरेज फाइंड ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 35। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है कि पहला ओड नंबर कौन सा होगा, एक फॉर्मूला आता है लास्ट ओड नंबर प्लस फर्स्ट
Four number divided by last odd number question. 20 itself odd है तो ठीक है. फर्स्ट वन जो है वो ओड नंबर है तो वन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 36 बाय. जब आप उसको डिवाइड करेंगे छोटे हमारे स्टूडेंट तो जो पहले एक से लेकर 35 नंबर जो ओड नंबर है उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो आपको पता चल जाएगा उसकी एवरेज 8 है. इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जी एवरेज फाइंड करनी है इवन नंबर्स की. वन टू फोर्टी आपने करना क्या है लास्ट ईवन डिवाइड बाय टू. देखिए कि लास्ट ईवन नंबर कौन सा है 40 या वन इवन नंबर है. नहीं आएगा वन के बाद दो आएगा डिवाइड बाय ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 21. अच्छा एक और ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं. आपसे पूछी गई है फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स नेचुरल नंबर इन सेवन. आपसे स्क्वायर्स नंबर ऑफ जो है वो एवरेज आपको स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल सेवन. एवरेज आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम अब सबसे पहले आपने सम फाइंड आउट करना है. सम फाइंड आउट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला को यूज करना है. वो फॉर्मूला है एम एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स. तो आप देखिएगा कि आपके पास नंबर तो सेवन गिवन है यानी एन आपके पास सेवन है गिवन. आपने क्या किया सेवन सेवन प्लस वन सेवन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स. जब इसको आप ओपन करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये जवाब आ जाएगा 140. अब सम आपको पता चल गया. अब आपने एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है. एवरेज एवरेज यूज करके सम सम आपके पास 140 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 7 है तो जब इसको डिवाइड करेंगे और एवरेज आपको पता चल जाएगी 20. क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिएगा कि अब ये जरा ट्रेवल और डिस्टेंस से कर लेते हैं. स्पीड टाइम डिस्टेंस के प्रॉब्लम से अली इज ड्राइविंग
kilometer speed 70 kilometer. How far will he travel? पॉइंट फाइव आवर्स. उसने आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि आपने गिवन डेटा, आपको देखते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या है. आपके पास स्पीड गिवन है, स्पीड को आप किससे शो करते हैं? बी से, यानी स्पीड हमारे पास गिवन है 70 किलो. जो हमारे पास टाइम गिवन वो है 2.5 घंटे. डिस्टेंस पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा. डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस के साथ, टाइम को शो करते हैं टी के साथ. तो एक फॉर्मूला सिंपल है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो हम जरा इसको फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं. वो हो जाएगा एस इक्वल टू वी अपॉन टी, है ना. तो क्योंकि हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो एस इक्वल जो हमारी स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम के फॉर्मूला से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया. डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड अपॉन टाइम. जो हमारे पास स्पीड है वो है 70 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 2.5 आवर. तो आप कंफ्यूज हो गए. जो हमारा टाइम है 70 2.5, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें. सिंपली सिंपली जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 175 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल. डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव में हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे. सिंपली एस इज इक्वल वी इनटू टी एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मल्टीप्लाई फॉर्मूला आप अप्लाई करें और आपको पता चल जाएगा कि 175 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया. इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं. सम टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं ऑनलाइन पढ़ाने में, से कुछ हो जाता है मिस्टेक. चलिए एक और क्वेश्चन है. व्हाट विल बी टाइम? माय कार ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कवर डिस्टेंस 180 किलोमीटर. देखिए इस इक्वेशन के अंदर आपको बताया गया है कि जो एक कार है ट्रेवल कर रही है, स्पीड इसकी गिवन है 72 किलोमीटर पर, और इसमें कोई डिस्टेंस कवर करना है कोई 80 किलोमीटर. के टाइम आप बता दें कि कितने घंटों के अंदर या मिनटों के अंदर ये 180 किलोमीटर का जो फासला है, अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो कवर करेगी. तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल हमने टाइम फाइंड आउट करना है. तो मैंने कहा था कि एस इक्वल वी इंटू टी का फॉर्मूला हमने यूज किया था, तो हमने इसको ड्राइव करना है क्योंकि हमें टी चाहिए, टाइम चाहिए. टाइम चाहिए तो हमें क्या होगा, वी अपॉन एस आ जाएगा 180 अपॉन
72। सिंपल, आप इसे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 2.5 आवर्स। ये 2.5 घंटों में ये सफर करेगा पूरा आपका, ये आंसर था 2.5। कुछ और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो पूछे गए थे और जिनको समझते हैं कि पेपर में आएंगे? देखिएगा, ये एक इक्वेशन है 4x + 5 = 7। इस तरह की क्वेश्चन भी आ सकती है। अब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4x = 70 यहाँ है तो ये 5 प्लस के हैं, वहां चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 4x = 17 से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। 4x = 12 है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन आ गई है, एक्स वेरिएबल है तो एक्स क्या होगा? x = 12 / 4, ठीक है। डिवाइडेड डिवीजन फॉर्मेट में रहेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, x = 3। आपने एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट की इस क्वेश्चन के। इस तरह का क्वेश्चन दिया सकता है आपको, 16 + 9 इक्वल्स टू। देखिए, आपने सिंपली क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस कर देना है, 16 + 9 रेडिकल हो जाएंगे। अब आपने 25 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो आपको पता चलेगा कि 5 × 5 = 25 होता है, तो आपको आंसर आ गया 5। अच्छा, एक और क्वेश्चन एक बंदा है वो कोई रीड करता है एक किताब के 24 पेजेस 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट, 24 सफ़े 15 मिनट के अंदर। कह रहा है कि आप नंबर ऑफ पेजेस बता दें 1 मिनट के अंदर वो कितने पढ़ लेगा। जब आपको पता चल गया कि 1 मिनट के अंदर उसने पूछा है कि वो पर मिनट के हिसाब से कितना पड़ेगा, तो आपने 1 मिनट का फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितने पेजेस हैं, 24 पेजेस हैं। सिंपली 24 को 15 से अगर आप डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो 1 मिनट के अंदर 1.6 पेजेस पढ़ रहा है। बस यही आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑर्डर कहता है कि जी कॉस्ट ऑफ 8 मैथ बुक्स इज ₹960। फाइंड कॉस्ट ऑफ 12 देखिएगा आप, तो उसने पूछा है कि 8 किताबें हैं और उनकी कीमत जो है वो 960 है। बताइए कि 12 किताबों की कीमत कितनी होगी? पहले तो आप एक बुक की प्राइस फाइंड आउट कर, आपने क्या करना है, सिंपल कीमत आपको पता है कि कॉस्ट जो है वो 960 है, आपने उसको उसकी क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर लेना है। तो जब आप 960 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि 120। अब एक किताब की जो कीमत है 120 रुपये, उसने पूछा है कि 12 की कितनी होगी, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, 120 एक किताब की कीमत है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो
आपको पता चल जाएगा कि ये 1440 रुपये 12 किताबों की कीमत है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह। अच्छा जी, ये कह रहा है कि इफ 12 बॉयज लड़के हैं, वो कह रहा है कि 240 रुपये कमाते हैं, तो बताइए कितने लड़के जो है 420 रुपये कमाएंगे। 420 रुपये, देखें कि आपने सिंपली इसको भी इस तरह करना है कि एक लड़के की आपने बता देना है कि वो एक लड़का कितना कमा रहा है। सिंपली 240 को आप अगर आप 12 से डिवाइड कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि एक लड़का जो है वो 20 रुपये अर्न कर रहा है, 20 रुपीज अर्न कर रहा है। अब उसने ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ बॉयज, वो कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज कितने जो है 420 रुपये कमाएंगे। 420 क्यों लेना, आपने सिंपल जो है नंबर ऑफ बॉयज को एस ले लेना है, आपने 420 रुपये को डिवाइड कर लेना है उसके साथ जो एक बंदा कमा रहा है, एक बंदा 20 रुपये कमा रहा है। तो जब आप 420 को 20 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 21 बंदों की कीमत होगी 420 रुपये। तो नंबर ऑफ बॉयज जो उसने पूछा वो 21 होगा।